आज देखते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन की जो स्थायित्व है या स्टेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर के कारण से जो है किन किन कारक के कारण से बढ़ती है और किन किन कारक के कारण से घटती है। तो इसमें पहला जो फैक्टर है वो है एरोमेटिसिटी, जिसको एरोमेटिकता कहते हैं, जिसके कारण से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोधन आयन की जो स्थायित्व है वो बढ़ती है। दूसरा है कंजुगेशन, जिसको हिंदी में संयुग्मन कहा जाता है, इसके कारण से भी स्थायित्व बढ़ता है। मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है मीजोमेरिक प्रभाव, इसके कारण से भी स्थायित्व बढ़ती है। प्लस हाइपर कंजुगेशन, जो कि धनात्मक अति संयुग्मन कहलाता है, इसके कारण से भी इसका स्थायित्व जो है बढ़ता है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण से भी स्थायित्व बढ़ती है। पी करेक्टर या पी कक्षक लक्षण कहा जाता है, इसके कारण से भी कार्बोधन आयन की स्थायित्व जो है वो बढ़ती है। इसके अलावा जो है डिस्पर्शन ऑफ चार्ज, आवेश का विसरण, आवेश जितना विसरित होगा उसके कारण भी जितना विसरित होगा उसके कारण से उसकी स्थायित्व जो है कार्बोकेटाइन की स्थायित्व बढ़ेगी। घटाने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला देख लेते हैं, इसमें है एंटी एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिकता के नाम से इसको हिंदी में जाना जाता है, इसके कारण से जो है स्थायित्व घटेगी। माइनस मिजोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव मिजोमेरिक प्रभाव बोला जाता है, जिसके कारण से स्थायित्व जो है वो घटती है। माइनस हाइपर कंजुगेशन या ऋणात्मक अति संयुग्मन कहा जाता है, जिसके कारण से कार्बोधन आयन की स्थायित्व जो है वो घटेगी। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट या ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव, जिसको माइनस आई से दिखाते हैं हम लोग, इसके कारण भी कार्बोधन आयन की जो स्थायित्व है वो घटेगी। और एट लास्ट जो है एस करेक्टर या फिर इसको बोलते हैं एस कक्षक लक्षण, जिसके कारण से भी जो कार्बोधन आयन है इसकी स्थायित्व जो है वो घटती है।